दिल्ली एनसीआर में आज नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। हड़ताल के चलते कई जगहों में स्कूलों में छुट्टी। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 19 पैसे महंगा हुआ। झारखंड के तबरेज मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़, पुलिस ने सभी आरोपियों पर हत्या की धारा को फिर से जोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली ममता बनर्जी, राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जज नियुक्त, 4 जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हुई। मुंबई और उससे सटे इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने क्लाइमेट चेंज पर कहा, ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है। संसदीय चुनाव में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्स के बीच कांटे की टक्कर, काउंटिंग जारी। और मोहाली में दूसरे T20 में भारत की एक तरफा जीत, दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। विराट कोहली T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।